उत्तरप्रदेश लक्ष्मीपुर में बड़ अघटन घटी जड़े मंत्री कारकेड गाड़ी चापा आठ जन मृत्यु हो मृतकों मध्य चारिज आंदोलनरत चाषी मामला उग्र रूप धारण करोभ को नजर रखी गस्त अधारू लक्षौ फेरी जाइंट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं केन्द्र गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लक्ष्मीपुर खेरी जिला गस्तर आसी एक कार्यक्रम में जोग देवाई समय कृषक माने तांको कला पताका धरी प्रबल विरोध करिथिले। केन्द्रर तीन कृषि आईन को विरोध करी शताधिक चाषी रास्ता को ओल्लाइथिले। एही समय रे मंत्री कारकेड आंदोलनकारी कृषकों ऊपर माड़ी जाइथिला। मंत्री पुओ आशीष मिश्रा एक कार चलाउथुबा सूचना मिलिछि। घटनास्थल रे ही उत्तक्त चाषी मंत्री कार को जाळी देइछंती। बीजेपी नेता विक्षोभकारी चाषी माने माड़ मारिथिले। एहाकु नै लक्ष्मीपुर रे उत्तेजना लागि रहिछि। मृतदेह रास्ता उपरे रखि चाषी माने धारणा देइछंती। आईन श्रृंखला बिगड़ा आशंका करी इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाए छे। उत्तर प्रदेश लक्ष्मीपुर में बड़ अघटन आपड़ देखुं भाव टेंशन रही। उत्तर प्रदेश लक्ष्मीपुर अंचल जड़े मंत्री कारकेड गाड़ी चापा आठ जन मृत्यु हो बड़ कथा जो आठ जन प्राण हर भितर चारिज आंदोलनरत चाषी जहाँफल मामला उग्र रूप धारण कर विक्षोभ को नजर रखी गस्त अधारू लक्षौ फेरी आसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर अनुसार उत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं केन्द्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लक्ष्मीपुर खेरी जिला गस्तर आसी समय यह अघटन घटी एपटे किंतु लक्ष्मीपुर खेरी में उत्तेजना जारी रही। कांग्रेस साधारण संपादक प्रियंका गांधी अटक पीड़ित चाषी पर भेटा जाता बेले प्रियंका को अटक रखी पुलिस यह तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश कर प्रियंका गांधी चाषी पर भेटा जावा कौन अपराध बोली प्रश्न कर प्रियंका सरकार कृषकों आंदोलन को दबाइबा चेष्टा करार प्रतिवाद में कांग्रेस कर्मी मैंने धारण में बसी कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को ख़त्म करने की राजनीति कर रही है। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है, क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? इस वक्त मैं लखीमपुर के तिकोनिया के उसी घटनास्थल पर हूं जहां आज दोपहर में चार किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि इन किसानों के शव को रखकर अब यहां पर जो आक्रोशित किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका आरोप है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे ने उन किसानों पर गाड़ी चढ़ाई जिसके चलते इनकी मौत हुई है। और अब इनकी क्या मांग है और ये पूरा घटना कैसा हुआ है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष। क्या घटनाक्रम था, कैसे ये हादसा हुआ? सर हम लोग पीसपुर अपना प्रोटेक्ट कर रहे थे, यहाँ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी जो CM है उनको आना था, तो हम लोगों ने जैसे भी काले झंडे लेके उनके लिए तैयारी बैठे थे और इनका यहाँ से इस रूट से जो डिप्टी CM है उनका जो रूट डाइवर्ट हो गया था, तो यहाँ उनका किसी का भी हम लोग विरोध नहीं कर रहे थे। और हम लोगों का जैसे भी प्रोग्राम समाप्त हो गया था तो सभी किसान भाई घर यहाँ से निकले फील्ड से तो घर जाने के लिए, और तब तक इनकी गाड़ी आ गई, चार पांच गाड़ी आ गई। एक जो थार थी उसके आगे बल्ली बंधी हुई थी और पीछे एक फार्चूनर थी काले रंग की और तीन चार गाड़ियाँ थी। तो ये इतनी स्पीड में सर गाड़ी आई हैं किसानों को, मतलब उसने अभी जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने लाइव घर से जब जो निकले हैं पिस्टल लोड करके वहाँ से निकल के आए हैं और यहाँ पे जब आए हैं अपनी फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी है और किसानों को यहाँ से रौनते हुए कुचलते हुए वो आगे जो बैरिकेड लगा हुआ है वहाँ पर पहुँच के इनकी गाड़ी पलट गई वहाँ पर।
कट मारा है तो कट से एकदम गाड़ी पलट गई है और इन्होंने फायरिंग करते रहे हैं। असला भरपूर असला इनकी गाड़ियों में था, जितनी भी गाड़ियां थी इनकी, और कुछ आदमी पकड़े भी गए हैं इनके, वो प्रशासन को के सुपुर्द कर दिए गए हैं। और बाकी हमारे किसान नेता जी पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में, तो बाकी निर्णय हम उनके आने पर लेंगे। इस दौरान कितने किसानों की मौत हुई है? पांच किसान भाई हमारे शहीद हो गए हैं। एक के गोली लगी है, गोली से हुई है एक के। क्या मांग है आपकी, क्या आपने डेड बॉडी यहाँ पर रखी है? मांग जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे जहाँ जो भी प्रोग्राम हुआ है, तो संयुक्त मोर्चे के जितने भी हमारे नेतागण हैं वो पहुँच जाएंगे, फिर उन्हीं के आदेश पे ही हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि जो ये आज दोपहर में घटना हुई है, उसके बाद चार किसानों के जो शव हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, और यहाँ पर जो किसान नेता हैं, जो किसान हैं, वो विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये जो घटना है ये एक बड़ी घटना है, और यही कारण है कि अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी अब से कुछ देर बाद इस घटनास्थल पर पहुँचने वाले हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम नेता इस घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर यह दबाव है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाएं और लोगों को समझाने का प्रयास करें ताकि जो ये विरोध है वो खत्म हो सके। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया है कि जो भी इस घटना के दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच भी कराई जाएगी। कैमरामैन शरद के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखीमपुर।